आज हम बात करेंगे एजीटेक की वायर कट मशीन, ईडीएम वायर कट मशीन को पावर ऑन करना और उसको वहीं से जहाँ पे खड़ी थी वहीं से रीस्टार्ट करने के बारे में, उसको रीस्टार्ट कैसे करना है। तो चलिए आइए, एमसीबी ऑन करेंगे। मेन एमसीबी जो होता है मशीन का, जो हमारी मेन सप्लाई पे होता है, उसके बाद हमारे पैनल में लेफ्ट साइड में एक एमसीबी लगी होती है, उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। यहाँ पे ये हमारा एमसीबी ऑन हो गया मेन मशीन का। उसके बाद यहाँ पे स्विच दिया होता है, एक ऑफ ऑन लिखा होता है उस पर, उसको हम ऑन की तरफ रोटेट करेंगे और ये मशीन हमारी ऑन हो जाएगी। टी आवाज़ आएगी जब हमारा ये ऑन होता है, उसके बाद मशीन का बूट ऑन हो जाएगा। मशीन बूट होने लग जाएगा। यहाँ पे एग्जीटेक का लोगो आएगा, एग्जीटेक का लोगो आएगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे फिर परसेंटेज आएंगे, जैसे 2%, 10% ऐसे करके। अपना सॉफ्टवेयर जो होता है ये धीरे धीरे ऑन होता है। और मशीन ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सामने ऐसे एक स्क्रीन आएगी। स्क्रीन आने के बाद हम इमरजेंसी स्विच को रिलीज़ करते हैं, हल्का सा घुमाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ग्रीन बटन दिया हुआ है जिस पर लिखा पावर ऑन, इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही पश्चिमी मशीन जो है पूरी ऑन हो जाएगी। मशीन के ऑन होने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे अपना मैनुअल, मैनुअल में गए तो फिर हम सबसे पहले होम सर्च, उसके बाद जेड होम। जेड होम इसलिए करते हैं फर्स्ट में क्योंकि 5x मशीन है, 5x एक साथ चलेंगे तो कई बार एक्सीडेंट लगने का चांस रहता है। इसलिए पहले हम सबसे पहले जेड को ऊपर ले जाएंगे। जेड को ऊपर ले जाने के बाद हम फिर 5x होम सर्च करेंगे। मशीन हमारी लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आएगी और ये होम सर्च कंप्लीट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिमोट में वर्टिकल का, जो हमारे सामने दे रखा वर्टिकल। अभी यहाँ पे ये वर्टिकल बटन होता है, इसको दबाएंगे तो हमारा यूवी जो है अपना 0-0 पे आके खड़ा हो जाएगा जहाँ पे हमने वर्टिकल किया था। उसके बाद हम बीपीटी दबाते हैं, तो बीपीटी दबाने पे जहाँ पे मशीन को हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, लास्ट टाइम बोले तो अपना जब मशीन हमने ऑफ करा था, जहाँ पे वो खड़ी थी मशीन, अपना वर्किंग छोड़ा था उसने, वहाँ पे चली जाएगी मशीन। वहाँ पे मशीन जाएगी अभी बीपीटी दबाते हुए, तो जेड भी अपना आप ऑटोमेटिकली डाउन आएगा धीरे धीरे। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जेड भी नीचे जा रहा है डाउन साइड में, और जहाँ पे आपने जेड रखा था वहाँ पे जाके जेड अपने आप ही होल्ड हो जाएगा। जिस पॉइंट पे आपने उसको छोड़ा था उसी पॉइंट पे जेड आ जाएगा, और उसे जेड लॉक लगा हुआ है, जेड यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। वहाँ पे हमारा जेड लॉक भी ऑन होता है मशीन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं फिर ऑटो दबाते हैं, मॉनिटर में जाते हैं। पहले मॉनिटर में चले गए, यहाँ पर हमें यहाँ पे आपके जो ड्राइंग आपने छोड़ी थी, ड्राइंग जो हम कटिंग कर रहे थे, वो आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ में आप देख सकते हैं जहाँ पे मशीन खड़ी थी हमारी लास्ट टाइम पे, वहाँ पे खड़ी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑटो दबाते हैं। ऑटो दबाने के बाद यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है रीस्टार्ट, उसको प्रेस करोगे तो मशीन जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप को रिस्टार्ट कर लेगी, और वहाँ से स्टार्ट करते ही चल पड़ेगी आगे को। अभी हमारी मशीन यहाँ पे रिस्टार्ट कर रही थी, हमने रिस्टार्ट में जहाँ पे भी आपने उसको छोड़ा था वहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने।